हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन एक पोएम को तो अच्छे से पढ़ चुका है, लेकिन क्या लाइन बाय लाइन करना अच्छे से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। बहुत समरी डिटेल करनी पड़ेगी ताकि आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप हो सके, और आज वही आपकी आंसर राइटिंग की जिसके लाइन से अच्छे से डेवलप करने आया हूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। आज हमारा टॉपिक है, हमें करनी है समरी। क्या करनी है आज हमें? समरी ऑफ अ टाइगर इन द जू। बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल पोएम जो बताती है एक टाइगर की कहानी, एक टाइगर की मनोभावना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसे बस थोड़ा सा पतला कर देते हैं हम इसे। ठीक है, तो पोएट है हमारे लेस्ली नॉरिस। हमारे पोएट है कौन है? लेस्ली नॉरिस सर, जिन्हें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। द पोएम इज अबाउट अ टाइगर। ये कहानी है किसकी? टाइगर की कहानी है। दैट इज ब्यूटीफुल एंड इज वॉकिंग इन द लिटिल केज, जो कि बहुत ही सुंदर एक टाइगर है और वो वॉक कर रहा है, यानी कि वो चल रहा है। कहां पे चल रहा है? अपने छोटे से केज के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे पिंजरे के अंदर कैद करा हुआ है। उसकी जो दुनिया है वो छोटा सा पिंजरा ही तो बन चुका है उसकी एक दुनिया। He is having beautiful strips on his skin and have a velvet like soft paws. यानी कि उसकी जो स्किन है, okay, he is having beautiful strips. यानी कि जैसे आप इसकी स्किन देख सकते हो, उसके ऊपर आपको ऐसी strips नजर आ रही है ना। ये strips क्या है? He is having beautiful black strips on his skin. यानी कि उसकी जो स्किन है उसके ऊपर ऐसी ब्लैक कलर की strips हैं, जैसे जेब्रा की स्किन के ऊपर होता है। एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पास, और उनके जो पंजे हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, सॉफ्ट है। बट ही इज नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंग्री इन द केज। लेकिन क्या वो खुश है? क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है? नहीं भैया, वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। क्यों? बट ही इज नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंग्री इन द केज। वो एंग्री है, क्यों? क्योंकि अगर आपको आपके घर से उठा के एक जेल के अंदर रख दिया जाए, क्या खुश हो गए? तो वही तो हुआ है टाइगर के साथ। उसका घर क्या है? जंगल। लेकिन उसे जंगल से उठा के कहां ला दिया गया? एक जू के अंदर। ठीक है, The poet says that the tiger may try to hide behind the long grass. यानी कि जो टाइगर है वो क्या करते हुए अच्छे लगते हैं? जो लंबी लंबी ग्रास होती है ना, उसके पीछे टाइगर छुपा हो, कोई एकदम पॉन्ड सा बना हो, वहां पे फैट रेनडियर्स है, एनिमल्स है पानी पीने के लिए, और वो सडनली उन पे अटैक करे, ये सारी चीजें टाइगर को शोभा करती हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक तरीके से लाचार पड़ा हुआ है ना। वो एक जगह बैठा हुआ है, लोग आ रहे हैं उसके टीज कर रहे हैं उसे, और ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि उसके सामने क्या आ जाते हैं? केज के बाहर आ जाते हैं। ये जो पिंजरा है उसकी ऐसी लोहे की जंजीर आ जाती है जिसके अंदर वो जकड़ा हो, और वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता, वो लाचार हो चुका है। बट हियर ही इज नॉट एबल टू डू सो, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, लाचार हो चुका है। ही इज इन अ स्ट्रॉन्ग केज एंड सो ही इज हेल्पलेस। अब वो हेल्पलेस है क्योंकि वो जंजीरों के अंदर जड़ा हुआ है। ही कैन नॉट शो हिज पावर, वो अपनी पावर नहीं दिखा सकता विजिटर्स को। विजिटर आते हैं ना, ऐसे टीज करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते के अंदर क्या आ जाते हैं? केज आ जाते हैं। द पॉइंट इज डिस्क्राइबिंग द टाइगर एज अ बीइंग अ पावरलेस एनिमल। यानी कि हम टाइगर को किस तरीके से इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पे, बीइंग अ पावरलेस, यानी कि जिसके अंदर पावर एकदम खत्म है। अब देखा जाए टाइगर इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स ऑफ द जंगल, लेकिन यहाँ पे उसे कैसे डिपिक्ट किया गया? एकदम कमजोर लाचार तरीके से डिपिक्ट किया गया। क्यों डिपिक्ट किया? ताकि इंटेंसिटी दिखा सके कि टाइगर को कैसे महसूस होता है जेल के अंदर, जहां पे वो अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस, यानी कि अपनी जो उसके मन पसंदीदा चीजें हैं, शिकार करना, भागना दौड़ना, वो नहीं कर सकता। कहां पे भागेगा? इतना सा तो पिंजरा उसका, उसके अंदर कहां भागेगा? तो केज लाइफ, जैसे हमने बात करी कि वो कितना ज्यादा दुखी है, तो वैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं केज लाइफ, जो उसकी लाइफ थी केज के अंदर। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। केज लाइफ हैज टोटली चेंज हिज पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी होती थी शेरों की तरह दहाड़ता, हम कहते हैं ना शेरों की तरह दहाड़ना, अब वो दहाड़ता नहीं, वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। ही इज नॉट रोरिंग एट द पीपल, व्हाई? क्योंकि उसे पता है यार मैं अगर उनके ऊपर चिल्लाऊंगा कोई असर ही नहीं है उसका। ठीक है, thus the intention of the poet is to say that the animal famous for its fearlessness and freedom is sad now. यानी कि जिस एनिमल को हम जानते हैं कि शेर की तरह दहाड़ना, which famous for its fearlessness, यार शेर हो कहते हैं ना, और यहाँ पे शेर हूँ, शेर ऐसे किसी कोई गली का कुत्ता नहीं जो बुलाने से आ जाओ। यानी कि हम शेर को कैसे इंडिकेट करते हैं? एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल, जिसे हम एकदम फियरलेस, जिसे किसी चीज का डर नहीं लगता, एकदम आजाद है, शेर की तरह आजाद है, वो आज क्या है? दुखी हो चुका है, इज सैड ड्यू टू ह्यूमन बींग्स। आज हम ह्यूमन बींग्स की वजह से ही वो जो एनिमल है वो क्या एकदम सैड हो चुका है, इज नॉट एबल टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस। ओके, दिस पोएम इज शोइंग द बैड कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द जू। और ये पोएम क्या दिखा रही है? बैड कंडीशन दिखा रही है, जो बुरी कंडीशन दिखा रही है किसकी? जो टाइगर है इन द जू की, जो टाइगर
टाइगर जो है उस जू के अंदर उसकी बैड कंडीशन दिखा रहे हैं यार, वो कितना ज्यादा सफर कर रहा है। ठीक है, इट शोज द पोअर कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द केज, जो केज के अंदर जो टाइगर उसकी पोअर कंडीशन दिखा रहा है। इन अ जू द टाइगर वॉक्स इन द लिमिटेड स्पेस प्रोवाइडेड टू हिम इन द केज, यानी कि वो टाइगर है उस केज के अंदर क्या वो आराम से घूम फिर सकता है कि केज के बाहर भी थोड़ा निकल गया? नहीं यार, केज क्या करे, उसकी बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि भाई अगर तेरे पास इतनी ही जगह है तुझे इतनी ही जगह में ही घूमना है, तेरे पास इससे ज्यादा तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ही कैन टेक अ फ्यू स्टेप्स, यानी कि वो कुछ कदम चल सकता है। देयर आर स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स एंड का विच आर इजीली नोटिसेबल, हिज पोर्स आर सॉफ्ट, यानी कि यहां पे थोड़ा इंडिकेशन दिया गया है। ही डज नॉट मेक एनी नॉइस व्हाइल वॉकिंग ऑन हिज पैड ऑफ वेलवेट, यूजुअली द टाइगर इज साइलेंट बट इन एग्री, यानी कि हमारा जो टाइगर है वो क्या है, क्वाइट रेंज के अंदर। मैंने बताया था ऑक्सीमोरन है, क्या है, ऑक्सीमोरन, क्वाइट रेंज के अंदर है। किस तरीके से शांत है, लेकिन शांत कहते हैं ना घायल शेर की सांस से उसकी दहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर होती है, सेम ये टाइगर है। टाइगर एकदम वो शांत है, लेकिन अभी तक वो हारा नहीं है। वो टाइगर आज भी यहीं पे बैठा हुआ है कि किसी तरीके से वो इस केज से बाहर निकले और अपने होम को, यानी कि उसका जो होम क्या है, जंगल, उस जंगल को एक्सप्लोर कर सके। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। द पोएट सजेस्ट दैट द केज इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस, जैसे मैंने बताया कि पोएट क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये जो केज है ये प्रॉपर घर नहीं है टाइगर का। टाइगर कहाँ होना चाहिए, जंगल के अंदर होना चाहिए। एज इट इज नॉट अ नेचुरल हैबिटेट, यानी कि इसका ये नेचुरल हैबिटेट नहीं है बहुत। थस द टाइगर इन द केज इज अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रुएलिटी, हम ह्यूमंस ने कुछ पैसे छापने के लिए उस टाइगर को उसके घर से दूर रखा है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्या नाम लेते हैं, आपको मैं आपके घर से उठा के एक जेल के अंदर रख दूंगा और आपके जितने दिन आप जेल के अंदर होगी उतने दिन के मैं आपके पैसे के घर वालों को दूंगा, क्या आपके घर वाले खुश रहेंगे? क्या आप खुश रहोगे? क्या भाई मेरी आजादी क्यों छीन रहे हो? वैसे इस टाइगर की आजादी हम इंसान क्यों छीन रहे हैं? हम एनिमल्स को कैद करके उनकी आजादी छीन रहे और उसे पैसा छाप रहे, अपनी अपनी क्या नाम लेते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। क्यों हम जानवरों से कम है? हम तो मतलब इंसान कहलाने के भी लायक नहीं होंगे। Generally, tigers are found sitting under some bushes or long grasses near some water body so that the tiger can see its prey, like deer coming there to drink water. जैसे मैंने बताया कि कोई animals आए उनके ऊपर झपट्टा मारे, consequently can slide through, okay, consequently can slide silently through the grass. Through the grass and kill them, उसके ऊपर झपट्टा बने हुए सेम आदर। The points wants to convey all human kind that the tiger should be there in the forest, not in the cage. वो ये सबको ही बताना चाहते हैं, जो हम एनिमल्स को कैद करके रख रहे हैं ना यार, this is the not the right place for the animals, यार एनिमल्स को वहां पे नहीं होना चाहिए। एनिमल्स का घर क्या है, जंगल के अंदर, तो उन्हें जंगल के अंदर भेजो, this is not the right place for the animals. Further, the poet gives a suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge near the village. कि जो टाइगर है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे वो एक तरीके से एक सजेशन देते हैं, कहाँ पे, near the edge of the village, एक विलेज के कोने पे बैठा हुआ है, तो विलेज के अंदर लोग भी होंगे तो उससे डरेंगे भी। खूंखार दांत दिखा के वहां के लोगों को डरा सकता है, बेरिंग इट क्लोज, अपने पंजे दिखा सकता है, प्रोड्यूसिंग अ रोरिंग साउंड, दहाड़ के दिखा, दहाड़ के अपना जो गुस्सा है वो लोगों के सामने प्रकट कर सकता है। द पोएट हैज डीप सिंपैथी ड्यू टू द अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर हु इज इम्प्रिजन्ड इन अ सेल मेड ऑफ कॉन्क्रीट, यानी कि जो एकदम स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर, टाइगर के अंदर बहुत पावर है, लेकिन वो जो टाइगर वो जो पावर है वो इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो उस बार्स को तोड़ सके, इतनी पावर नहीं है उसके पास। तो वो जो चीज है वो एक चीज है, एक बड़ी पावर दूसरी पावर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन देखा जाए जो बड़ी पावर है वो नॉन लिविंग है, बार्स के अंदर लाइफ नहीं है, उस एनिमल में तो लाइफ है ना, वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। आपको मैं कहता हूं आपके पास बहुत सारी शक्ति है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या फायदा। टाइगर इज अनेबल टू कम आउट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बार्स फिक्स्ड, ओके, फिक्स्ड एट द कॉन्क्रीट सेल, जो स्ट्रॉन्ग सेल है उसके बाहर जो क्या नाम लेते हैं रोड्स लगे हुए हैं उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकता। सो द टाइगर स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, उसके पास ताकतें हैं लेकिन वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है, यही तो मेन प्रॉब्लम है उसके साथ। ताकत है उसके पास लेकिन वो अपनी ताकतों का क्या है, इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। ऑल सच सर्कमस्टेंसेस आर मेकिंग द टाइगर हैविंग नो इंटरेस्ट इन द विजिटर्स, और ये सारी चीजों की वजह से आप टाइगर जो है वो क्या विजिटर्स को एंटरटेन कर रहे हैं, दहाड़ रहे, क्या हम विजिटर्स क्या देखने जाते हैं, टाइगर की दहाड़ देखेंगे, टाइगर चलता हुआ कैसा लगेगा, टाइगर ऐसे अटैक जंप करते हुए, क्या टाइगर ऐसे कर रहा है, वो बैठा है, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, क्यों उसके पास जीवन, देखो यार अगर आप जेल के अंदर जो कैदी होते हैं ना उनसे पूछो उनके पास लाइफ का कुछ होता है, नहीं कहता 10 साल तो यहीं पे बैठना है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो चीजें हैं। ये तो अगर देखा जाए हम इंसानों को कितना बुरा लगता है, तो वो भी तो एक तरीके से जीव जंतु हैं, मानो उनका दिमाग के अंदर ये सारी चीजें नहीं आती, लोनलीनेस ये सारी चीजें, लेकिन क्या उन्हें बुरा नहीं लगता, लगता है यार, क्यों, क्योंकि आपको आपके घर से दूर रखा जा रहा है।
एंड ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज. स्टॉकिंग मींस कैलकुलेट करता रहता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, और वो कहेगा यदि जगह कुछ तो बड़े, थोड़ी सी तो जगह बड़ी हो ताकि मैं अपने आप को प्रॉपर एक्सपोजर तो दे पाऊं. द पोएट इज ट्राइंग टू मेक रियलाइज द पीपल अबाउट अ टाइगर हु इज सिटिंग इन द केज एंड फीलिंग अनप्लीजेंट एंड रेस्टलेस. यानी कि वो ये चीज महसूस करवाना चाहते हैं लोगों को कि यार वो जो टाइगर है वो भी एक जीव जंतु है, वो कितना रेस्टलेस महसूस कर रहा होगा, ये वो लोगों को बताना चाहते हैं. द टाइगर इज स्टिल शोइंग नो इंटरेस्ट इन द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज. जैसे आप कहते हो ना, काफी यार आपने परमैन के अंदर भी देखा होगा कि आज पेट्रोलिंग की बारी तुम्हारी. पेट्रोलिंग का क्या मतलब होता है कि एक जब कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी जो एक जगह का ध्यान रखती है रात को घूम के, जैसे होता है ना कि एक पहरा देना, एक तरीके से काइंड ऑफ वॉचमैन गिरी आप इसे कह सकते हो, कि वो देखते हैं कि कहीं पे कोई क्राइम नहीं हो रहा. तो वैसे जू के अंदर क्या होता है, पेट्रोलिंग कार्स होती है जो ये देखते हैं क्या सारे एनिमल्स अपनी जगह पे हैं या नहीं, किसी भी एनिमल का जो केज का जो लॉक है वो खुल गया या ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं. द पोएट, अब ये जो हमारे टाइगर है वो उन्हें भी कोई भाव नहीं दे रहा, किसी को कुछ भाव नहीं, वो दुनिया से कट चुका है. ओके, ही इज बीइंग डिप्रेस्ड राइट नाउ. द पोएट इज शोइंग हिम स्टेयरिंग एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज. और वो लास्ट में क्या कहते हैं, जो टाइगर है वो क्या देख रहा है, सितारों को देख रहा है अपनी चमकती हुई आंखों से. हिज ब्रिलियंट आइज के साथ वो क्या कर रहा है, तारों को देख रहा है, क्योंकि उसे क्या लग रहा है, क्या ये जिस तरीके से तारे आजाद है, फ्री टू मूव है, आराम से घूम फिर सकते हैं, क्या मैं भी इस तरीके से कर पाऊंगा, क्या मैं भी उनकी जगह ले पाऊंगा, क्या मुझे भी इस केज से बाहर आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी. The poet is raising moral issues here, and he intends to present a strong case against the cruelty of humans for the animal. Captain Cages, यानी कि हमारे जो writer है, वो एक तरीके से ये चीज बताना चाहते हैं लोगों को कि boss, आप ये जो cruelty कर रहे हो, इस cruelty से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि cruelty जीव जंतुओं पे करो, non living things को बंद करके रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन living things है यार वो, भले इस तरीके से आप उससे पैसा जितना मर्जी छाप लो, बहुत पैसा मिलेगा आप लोगों को, लेकिन क्या आप जो वो चीज कर रहे हो क्या वो आप सही कर रहे हो. कर्म और कांड का खेल है बॉस, वो आप जैसा करो वैसे आपके साथ भी होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा. तो उस एनिमल की जगह खुद के रख के देखो और समझो कि यार उस एनिमल को कितना बुरा महसूस होता होगा, मेरी कुछ पैसे कमाने की कुछ थोड़े बहुत पैसे, देखो मनी जो है ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, लेकिन उस एनिमल्स को आप कितना दुख पहुंचा रहे हो ना, उनके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए. ये हमारे पोएट कहते हैं, और आई होप आप लोगों के अंदर भी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग समझ में आई. चैप्टर पढ़ना अलग है यार, लेकिन चैप्टर से जो सीखे ले रहे हो ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. ठीक है, जय हिंद. चलो भैया पैक अप.